अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सदर साहब, हमने आपसे ये मालूम करना है कि ये जो वाक़ा हुआ किससे हुआ और कैसे हुआ? ये रात को 10:30 बजे यहाँ से गया और 11:15 बजे के करीब जो है ना आग लगी है। तो फायर ब्रिगेडर वाले जो है ना 15-20 मिनट लेट आए। एक वीडियो हमारे पास पड़ी हुई, सारे बिल्डिंग से भरी गई है। जो फायर ब्रिगेडर वाले थे, अंदर 2 रोन लगाए, जैसे तफरी के लिए यहाँ आए हुए थे, ग्राउंड के अंदर रोन लगा रहे थे। पहले गाड़ी आई है 15-20 मिनट के बाद, उसके बाद जो है ना 6-7 गाड़ियाँ फिर और आई हैं। फिर आग पे जो है ना काबू पाया गया। हमारे पास इस टाइम पे सरकारी कोई ऑफिसर कोई बंदा नहीं आया हमारे पास हाल अहवाल पूछने। ये वाक्य कैसे पेश आया, इसकी क्या किस तरह कुछ पता चला? कुछ भी मालूम नहीं हो सका किस तरह हुआ है, सिगरेट किसी ने फेंका है, क्या किया कि ये किसी को भी पता नहीं है। अच्छा, जो वीडियो मैंने देखी है कि कोई दूर बिल्डिंग में कोई शादी वगैरह चल रही थी, उसके पटाखे उड़ रहे थे, एक वीडियो मैंने जो देखी है, तो वो तो कुछ ऐसे नहीं गिरा कोई, जो पटाखे वटाखे थे वो तो नहीं गिरे कोई? तो गिरता नहीं था, आमने सामने में गिरता है, ये एक जगह से आग बढ़ गई। जो 15-20 मिनट में साल 25 मिनट के अंदर अंदर पूरे ठीक जो है ना घेरे में लिया, आमने सामने आग लगता तो एक तरफ, तो ये दूसरी तरफ कैसे शिफ्ट हो आग? तो आपके नज़र में ये मालूम हो रहा है कि इसके अलावा ये किसी ने जानबूझ के लगाई है? हो सकता है, हमारे नज़र में तो ऐसा ही लगता है। एक तरफ जलता है, फिर ये दूसरी साइड, तो बहुत फासला है बीच में, कितने 10-12 फुट से ज़्यादा फासला है, ये आग वहाँ कैसे शिफ्ट हुआ ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। दूसरा सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि कोई गवर्नमेंट के कोई ऐसे ऑफिसर कोई आए हुए जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो आग के बारे में, कि आग कैसे लगी या कोई तहकीकात हो रही है या नहीं हो रही? नहीं, अभी तक कोई भी नहीं आया इस मामले में, से इस बात पे गुफ्तगू किसी ने भी नहीं किया, सरकारी किसी कोई बंदा नहीं आया हमारे पास मिलने। अंदाजन कितना नुकसान हो गया होगा आपके अंदाजे के मुताबिक, और कितनी दुकानें जली? दो ये तकरीबन 30-40 पतारे और एक कपड़े की दुकान है, उसमें तकरीबन 65-70 लाख के करीब उसमें माल था। ये शुक्र है अल्लाह का, उस दुकान तक आग पहुंची, उससे आगे जो है फैमिलियां मार्केट के ऊपर तकरीबन 40-50 घर उसमें रिहाइश है फैमिलियों का, ये मालिक का एहसान है। ये तो पतारे जले हैं मगर उन लोगों तक नहीं पहुँचा। फायर ब्रिगेड वाले बाद में जो गाड़ियाँ आई हैं उन्होंने उस आग को काबू पाया। जो पहले गाड़ी आई वो तो सुस्त है, जैसे 15-20 मिनट के बाद आई, उसके बाद फौरन जो है ना गाड़ियाँ बढ़ना शुरू हुई। एक अंदाजे पटारों में एक एक दुकान में कितना कितना सामान होगा और कितने पैसों का होगा? इसमें तकरीबन 15 लाख का माल भी जला है, जैसे 2 लाख का भी जला है, 30,000 रुपये का भी जला है, मुख्तलिफ क्वालिटी के माल है। यहाँ डिनर सेट वगैरह बाहर से आते हैं वो जली हैं, इसमें कप वगैरह का ठिया जो था, पर्दे वगैरह, पायदान नए जो है, कम्बल गुदड़ियाँ वगैरह, रजाइयाँ 2,000, 4,000, 5,000 का वो भी है। इसमें काफ़ी माल लोगों का नुकसान हुआ है, तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपये का नुकसान है टोटल। 1.5-2 करोड़ का। आप लोगों ने कोई ऑफिशियली अंदाज़ा लगाया सबसे, कोई मालूम की कोई कागजी कार्रवाई आप लोगों ने की कि आपका कितना सामान नुकसान हुआ आपका? वो तो सबों ने अंदाजे से लिखवाया है मगर हमारे से कोई मिलने अभी तक कोई भी नहीं आया। यकीन करेगा बड़े मुश्किलों से खुदा की कसम दोपहर की रोटी भी नहीं खाई है इस हाल तक हमारा, कि जो भी सरमाया था हमारा इसी के अंदर था। सुबह कमाते थे रात को खाते थे, वो हिसाब था हमारा। माल सारा कैश पे आता, उधार का सिस्टम भी इस टाइम पे दुनिया के अंदर मुसलमानों के अंदर अल्लाह ने बंद किया हुआ। एक दूसरे को जो है ना सपोर्ट दे हुए सारा बने, वो कहानी दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा भाई बंदी वाला। दूसरी चीज़ आपसे पूछे, ये नासिर शाह साहब जो वज़ीरे बंदियाँ थे उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं कि फायर ब्रिगेड क्यों लेट आए? एक तो ये तहकीक होनी चाहिए, दूसरी तहकीक ये होनी चाहिए कि हमारा जो नुकसान हो उसका अजाला कैसे किया जाए। नासिर शाह साहब से आप क्या अपील, वज़ीरे बंदियाँ जो है वो आ जाए, कुछ ना कुछ हमारे से हेल्प करे, ताउन करे। यकीन करेगा अभी ठेले ना टेबलों के पैसे हमारे पास है, हम टेबल लेकर आए, उसके बाद जो माल का हम सोचे माल लेकर आवे, बस अल्लाह हाफिज। एक दो बंदे आए जिन्होंने हमारे को बांस के पैसे दिए और चीज़ चादरों के पैसे दिए, वो चीज़ें हम लेकर आए। ये गवर्नमेंट का कोई बंदा था या ऐसी कोई पब्लिक का कोई ऐसी नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल ताजर था। ताजर, हाँ, वो ताजर दे के गया, यहीं मार्केट के ताजर है, उन्होंने दिए, कुछ हेल्प किए, चादरें बांसें वगैरह। आजकल बांस भी 600-600 रुपये का एक बांस है, चादर लेने जाओ 2,000 रुपये का, 2,500 रुपये का एक प्लास्टिक की चादर हमारे को मिलती है। काफ़ी इस पर खर्चा आता है, तकरीबन 30-35 हज़ार रुपये एक ठेके पे बनाने पे हमारा लगता है, इस पर ज़रा कायम करने पे। इस टाइम पे कोई भी मदद के लिए हमारे पास कोई भी नहीं पहुँचा, गैर आदमी हमारे ताजर मार्केट के अलावा। गवर्नमेंट से आप आखिरी क्या अपील करना चाह रहे हो? आवे हमारे साथ, हमारा इजाला करे, कुछ हमारे को देवे, हमारी मदद करे। हम सुबह कमाने वाले रात को खाने वाले वो लोग हैं, लोग जो फुटपाथ पे थे फुटपाथ पे ही कमा के हम खा रहे हैं।
और कोई हमारा सहारा नहीं है इस जगह के अलावा, खुदा की कसम हमारा कोई सहारा नहीं है। तो गवर्नमेंट को तो ख्याल करना चाहिए कि आप लोग का अजाला किया जाए और अल्लाह पाक आपको आपकी रोज़ी में और बरकत दे। हम मैं खुद बड़े अफसोस मुझे हुआ कि मैं खुद दो दफ़ा यहाँ आया हूँ, इस बाज़ार को मैंने विज़िट किया है और मैंने कपड़े मार्केट से ख़रीदे हैं। तो इस मार्केट में मैंने ये देखा था कि सारे पतारे वगैरह लगे, और जाहिर सी बात है पतारा लगाने वाले एक गरीब बंदा होता है, एक अमीर बंदा नहीं लगाता, वो तो अपनी दुकान लगाता है क्योंकि लाखों रुपये एडवांस होते हैं और लाखों रुपये का सामान अच्छा होता है। पतारे वाला मेरे नज़र में तो बहुत गरीब शख्स होता है। तो गवर्नमेंट से हम भी दरख्वास्त करेंगे, इस आवाज़ को हम बुलंद करेंगे, तभी तो हम आपके पास आए हैं कि इस आवाज़ को हम बुलंद करें और आपके पास आए। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, ईमान की मौत नसीब हुए, आपने अच्छा काम किया। जितने भी मीडिया वाले हैं हमारे से ये उनके तवक्कु है, हमारी बात वहाँ तक पहुँचाए हुए, आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपको खुश रखे, इसका अजर अल्लाह आपको देगा। ये साहब आपसे ये पूछ रहे थे कि चावला मार्केट में जो आप लोग की जितनी कितनी दुकानें थी अंदाजन? 50 दुकान तक करीब, 60 को बताया, 50 से करीब, 50 की करीब दुकान थे। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कितनी देर के बाद हुई और रात के किस टाइम का ये वाकया था? देखो इस तरह का गाड़ी अच्छा नहीं लगता है। जब गाड़ी पहुंची तो उसमें पानी भी नहीं था, बिना पानी का कोई गाड़ी चलाता भी नहीं है, ये गाड़ी बिना पानी का आया था। उसके बाद उसको हम रिटेल किया और यानी कि 15 मिनट कम एक घंटे के बाद गाड़ी आया, मतलब 45 मिनट में एक गाड़ी आया, उसमें पानी नहीं था। उसके बाद फिर दूसरी गाड़ी आया तो उसमें जो है ना खतरा पे ली थी रोड पर, जैसे यहाँ तक रोड बजी थी, रोड के ऊपर भी आग लगी थी और मतलब शदीद आग की, जैसे केमिकल या स्प्रे जैसे इस तरह का आग था, इतना टाइम में ये आग नहीं जलते, हम लोग देख देख के जो है ना सब राख हो गया और आग इस तरह का था, कोई संभालने का तरीका ही नहीं था। एक सवाल जो मेरे जहन में दौड़ रहा है कि ये दोनों दुकानों के दोनों मार्केटों के बीच में एक फासला है, क्योंकि 20 फीट का फासला है, तो अगर एक तरफ को आग लगी तो दूसरी तरफ को कैसे आग लगी, इस पर आप क्या कहते हो? तो भाई यहाँ का जो केमिकल का जो डंडे का या जो दरख्त का जो उसके जो पटाखे उड़ते हैं ना, तो इससे खतरे घरों तक फैल जाती है। तो इस तरह का हम लोगों ने काफ़ी कभी भी ऐसा आग नहीं लगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक आग लगाए हम लोगों ने, बुझाए रातों रात, बुझाए पानी लेकर आए बुझाए, मगर इस तरह का तीन दफ़ा ऐसा आग लगाए हम लोगों ने बुझाए। पहले कैसे कभी आग कैसे लगा था? पहले भी ऐसी आग लगा था, टूटा फूटा आग लगा था, मतलब यहाँ से वहाँ तक आग लगा था तो हम लोगों ने बुझाए। हाँ फिर अभी जो आग लगी है ना, इस तरह का हम लोगों ने आग नहीं देखा है। क्यों ये आग देखो अभी तक, ये रोड देखो अभी तक कोई स्मेल कोई और नहीं है भाई। अब इमदाद के लिए भी बोले तो देखो आप आगे क्या हो रहा है, अल्लाह खैर करे, हमें तो हर बात की खुशी है, आप लोग भी आपके लिए भी खुशी है भाई। तो आप वज़ीरे बल्दियात नासिर शाह साहब से क्या कहोगे, क्योंकि उसके नीचे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी होती और फंडिंग जितनी करनी होती, लोगों की मदद जो करनी होती नासिर शाह साहब के ज़िम्मे में आती, तो उससे आप क्या कहते हो? उससे मैं ये गुजारिश करता हूं कि हमारे लिए बेफरूर ताउन कीजिए। देखो हमारी ताउन सबकी ताउन, हमारी ताउन पाकिस्तान की ताउन, मगर ये जो तावान हुआ इस तरह का कितने लोगों की तावान हो जाएगी। ये तो एक पतारी जली थी, अल्लाह और जगह से भी दे देगा, ठेले लेके भी दे देगा, मगर इस तरह का आग भी जल सकती थी। बहरहाल पाकिस्तान की सपोर्ट फायदार और मजबूत होनी चाहिए, इस तरह का पाकिस्तान की सपोर्ट बिल्कुल स्मॉल आ रहा है, नहीं आ रहा है पक्का, और नो गुड।